विराट कोहली को फिर फटकार जो है अप्रत्यक्ष तौर पर भी सेने लगाई और कहा कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो ये मेक श्योर करें कि कैंप से जुड़ी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं जानी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये सही नहीं है। इसके बाद समझदार के लिए इशारा करते हैं। उनका 17.2 आया, अच्छा 17.2 आया, उन्होंने फोटो डाल दी, स्टोरी डाल दी, यार यूरो टेस्ट पास कर दिया, 17.2 आया यूरो टेस्ट में, और बड़ा डेंजरस ग्रेडेड यूरो टेस्ट होता है कोन्स के बीच में, तस्वीर डाली उन्होंने। अच्छा उस पे आर्टिकल आ गया कि भैया कुछ बीसीसीआई ऑफिशियल हैं, उन्होंने वर्बली सबको वार्न किया है कि ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इतनी भारी भरकम बात कि तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर आप, हाँ आप फिटनेस की तस्वीर डाल सकते हैं लेकिन यूरो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आप डाल सकते, आपने 17 पॉइंट कुछ डाल दिया। समयक्रम एशिया कप शुरू होने से पहले ही भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली और उनके बोर्ड यानी बीसीसीआई में काफी लेदे शुरू हो चुकी है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को एक वार्निंग जारी की है, यानी इनडायरेक्टली ये कहा है कि ज्यादा शोखे मत बनो, अपनी औकात में रहो, तुम जितने भी बड़े खिलाड़ी जरूर हो लेकिन हो हमारे मुलाजिम ही। अब ये सारी स्टोरी क्या है जल्दी जल्दी आपको बताते हैं, और इस मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल गुज़श्ता रोज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें वो बगैर शर्ट के बैठे थे, जिसमें उन्होंने लिखा कि द हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग द योयो टेस्ट बिटवीन द ड्रेडेड कोन्स 7.2 डन, यानी भारतीय खिलाड़ियों का इस वक्त योयो फिटनेस टेस्ट हो रहा है जिसे विराट कोहली ने 17.2 पॉइंट्स लेकर पास किया है, 16.5 के करीब नंबर होते हैं योयो टेस्ट पास करने के लिए। पहले उसके बारे में ये खबरें चली, भारत के सोशल मीडिया में विराट कोहली पर तनकीद होने लगी कि भारत का सबसे फिट खिलाड़ी और मार्जिनल पॉइंट से ये पास हो रहा है। खैर सारे मामले के बाद फौरन भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक्टिव हुआ, उसने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें अपने प्लेयर्स को यह कहा गया कि आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड के किसी भी टेस्ट का कोई भी रिजल्ट इस तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते, और साथ उसमें ये भी धमकी लिखी गई थी कि अगर दोबारा इसे ब्रीच करने की कोशिश की गई तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खारिज किया जा सकता है या आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए विराट कोहली जो कि अपनी सोशल मीडिया एक एक पोस्ट का करोड़ों रुपए लेते हैं, उन्हें उनके बोर्ड ने कैसे सरजनिश की, और अब भारत का मीडिया ये कहता दिखाई दे रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा मैनेजमेंट है उनकी विराट कोहली के साथ बनती नहीं है, इसी वजह से उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या एक आर्टिकल बकायदा पब्लिश करवा कर वार्निंग जारी की है। इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है आइए आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं। क्या विराट कोहली को बीसीसीआई ने फटकार लगाई इंडायरेक्टली? अच्छा ठीक है, सो मॉडिफाई करते हैं। क्या विराट कोहली के बहाने टीम इंडिया को एक सख्त मैसेज, एक सख्त हिदायत और अप्रत्यक्ष तौर फटकार लगाई? वेल देखिए, बड़े लोगों को जबानी तौर फटकार नहीं होती, वो जो इशारों में हल्की सी बात कह दी जाती है ना वो काफी होती है। विराट कोहली को लेकर आज दो बड़ी खबरें आईं और दोनों हैरान करने वाली थी। एक खबर तो ये कि क्या विराट को डांट पड़ी बीसीसीआई से, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसी बात कहां से, और दूसरी खबर थी कि क्या विराट कोहली ने यूयू टेस्ट बड़ी मुश्किल से पास किया, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर विराट के साथ ऐसा कैसे होता, विराट तो सबसे फिट खिलाड़ी। सोशल मीडिया पर आज तमाम अखबारों ने यह खबर छाप दी कि विराट बड़ी मुश्किल से यूयू टेस्ट पास कर पाई और फेल होते होते लेकिन विराट कोहली के यूयो टेस्ट की कहानी जो है वो जब पहुंच गई बीसीसीआई के पास तो फिर एक अच्छा मैसेज नहीं गया, और बीसीसीआई को ऐसा लगा कि यार खिलाड़ी जो हैं वो प्रिवेसी को भंग कर, मतलब आप अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी डालते हैं, कैसे भी डालते हैं, कहां डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप टीम से जुड़ी बातें या टीम से रिलेटेड चीजों को सोशल मीडिया में डालते हैं तो फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर खबर आ रही है विराट कोहली को फिर फटकार जो है अप्रत्यक्ष तौर पर भी सेने लगाई और कहा कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो ये मेक श्योर करें कि कैंप से जुड़ी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं जानी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये सही नहीं है। इसके बाद समझदार के लिए इशारा करते हैं। उनका 17.2 आया, अच्छा 17.2 आया, उन्होंने फोटो डाल दी, स्टोरी डाल दी, यार यूरो टेस्ट पास कर दिया, 17.2 आया यूरो टेस्ट में, और बड़ा डेंजरस ग्रेडेड यूरो टेस्ट होता है कोन्स के बीच में, तस्वीर डाली उन्होंने। अच्छा उस पे आर्टिकल आ गया कि भैया कुछ बीसीसीआई ऑफिशियल हैं, उन्होंने वर्बली सबको वार्न किया है कि ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इतनी भारी भरकम बात कि तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर आप, हाँ आप फिटनेस की तस्वीर डाल सकते हैं लेकिन योयो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आप डाल सकते,
कि आपने 17 पॉइंट कुछ डाल दिया। 7 दिन रह गए एशिया कप को, 7 दिन। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? विराट। वापस आ जाइए, इसकी बात हो जाए जरा। पहले मैंने आपको बताया कैसे कि अभी बातें हो रही है कि 4 नंबर पे विराट आ जाए, सारा का सारा ना तुम लेकर पूरा इंडिया एक तो उसके कंधे पे बैठ जाओ, जब मैच में असली में प्रेशर आए सारे निकल लो, वो अकेला फाइट करे, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लिया आपने, ठीक है, सेमीफाइनल में भी देख लिया आपने, जब भी जरूरत हो एक ही आदमी विराट कोहली, एक आदमी पे कितना प्रेशर डल सकता है ना, इसकी केस स्टडी है ये कि एक आदमी को आप कितना ज्यादा उससे डिमांड कर सकते हो। पहली बात, एशिया कप से 7 दिन पहले ये हो रहा है, एबी डी विलियर्स भी इनके साथ ही बोल रहे हैं कि विराट विल बी परफेक्ट एट 4। अच्छा जी, ईशान का पता नहीं ओपन करेगा नीचे खेलेगा, ओपन नहीं करेगा, शुभमन ओपन करेगा, नीचे 3 पे खेलेगा, 4 पे विराट। अच्छा जी, सैक्रिफाइस करना चाहिए विराट को, और विराट कर सकते हैं इसलिए ना, चलो कर सकते हैं मान लिया, ये तो कुछ भी कर सकता है वैसे। अब जब इन्होंने ये डाला कि 17.2 में मैंने यो-यो टेस्ट क्लियर करा, रिपोर्ट आ गई जी कि कुछ अधिकारी हैं जी, कुछ बीसीसीआई ऑफिशियल हैं जी, उन्होंने वर्बल वार्निंग दी है सारे प्लेयर को कि आप यो-यो टेस्ट के रिजल्ट नहीं डाल सकते, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो सकता है और आप बाहर हो सकते हैं। ये आर्टिकल छपा दिया, मतलब छप गया, सॉरी गलती मुंह से निकल गया, छप गया। अच्छा जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इंक्लूडिंग विराट कोहली सबको बता दिया गया। अब मैंने ट्वीट क्या करा आज, किसी जर्नलिस्ट का नहीं देखेंगे आप, किसी को मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली ने यो-यो टेस्ट रिजल्ट शेयर कर दिया और उसमें बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा, तो वार्निंग दे दी गई, इनको वार्निंग दे रहे हैं, इनको वार्निंग दे जा रही है भैया, के पता नहीं क्या वार्निंग वार्निंग देखे है ना, जो दूसरे टीम के लिए वार्निंग है उसको वार्निंग दे रहे हैं 7 दिन पहले एशिया कप से, और बोल रहे शायद 4 नंबर हवा गई, 4 नंबर, दोनों तरह से देख लो, उसकी बैटिंग पोजीशन पे बात आ रही है, प्रेशर नहीं मतलब इन द सेंस उसकी बैटिंग पोजीशन पे बात हो रही है। फिर उसने अगर शेयर कर दिया, मैं वही पूछ रहा हूं सवाल, आप सब बताइए, सारे प्लेयर को अपने रिजल्ट शेयर नहीं करने चाहिए क्या? एथलीट्स है ना, बिल्कुल। और अगर अपनी फिटनेस शेयर करना कोई गुप्त गोपनीय बात है तो ये किस बात के एथलीट है भाई? नहीं बात है। फिलहाल एशिया कप को लेकर कैंप जो है वो बैंगलोर में लगा है, तमाम खिलाड़ी जो है यूनिट टेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात ये कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तमाम खिलाड़ी जो है वो यूनिट टेस्ट पास कर चुके हैं, और विराट की एक इंस्टाग्राम तस्वीर ने पूरे माहौल को बना, विराट के फॉलोअर इतने ज्यादा हैं कि वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ भी डालते हैं तो वो बड़ी खबर होती है। विराट भी इस बात को जानते होंगे, शायद उन्हें लग भी रहा होगा कि यार बैठे बैठे मैंने भी मौका दे दिया, और ऊपर से उन्होंने हवा बना दिया कि विराट तो फेल हो गए, वो भी कहा। अब जो कहानी आई थी कि 17.1 पासिंग है, विराट 17.2 पाए, बहुत मुश्किल से पास हुए, वो फेक न्यूज़ थी, वो सही न्यूज़ नहीं थी, और इस वजह से विराट जो है वो थोड़ा सा उनको लेकर असहज कहानी हुई, इसी वजह से बीसीसीआई का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल गई थी, मतलब लोगों ने कहा यार विराट कैसे फेल हो सकते हैं, और लोगों ने तमाम खिलाड़ियों से कंपैरिजन शुरू कर दिया कि यार वो देखो उसकी तोंद है, वो देखो ऐसा है, वो देखो ऐसा है, फिर विराट को आप कैसे कह रहे हो। लेकिन इंटरनल जानकारी ये है कि 16.5 वाज अ पैरामीटर, और विराट कोहली उस पैरामीटर से कहीं ज़्यादा आगे थे। इनफैक्ट जो खबर आई है कि जडेजा और विराट ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसमें टॉप पर गए, यो-यो टेस्ट को जिन्होंने टॉप किया है।